नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक ऐसी क्लास में जहां हम एक चीज़ को सीखेंगे कि किस तरह से अपने क्लाइंट का फॉलोअप किया जाए। हम में से बहुत सारे लोग जब क्लाइंट को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे रिव्यूज़ हमें मिलते हैं और उन रिव्यूज़ के आधार पर हम एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ये क्लाइंट तो मुझसे डील नहीं करेगा या ये क्लाइंट तो इंटरेस्टेड नहीं है या ये क्लाइंट हर बार मुझे कॉल पर झूठ बोल रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है क्लाइंट मुझे अवॉइड कर रहा है या कहीं मुझे क्लाइंट इग्नोर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों के सामने जहां हमें ऐसा महसूस होता है कि ये क्लाइंट हमसे डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको आज कुछ सिद्धांत ऐसे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कौन सा क्लाइंट आपसे डील करने के लिए तैयार है और कौन सा क्लाइंट आपसे डील नहीं करेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने 100 बार फॉलो किया लेकिन उसके बाद भी हमारा क्लाइंट डील नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको रियल फैक्ट नहीं पता कि क्लाइंट को कितनी बार डील करना चाहिए, कितनी बार फॉलो करना चाहिए। मैंने बहुत सारी कंपनीज के जब टेलीकॉलर्स के डेटा को चेक किया तो वहाँ लिखा हुआ था कि मैंने इसको 50 टाइम फॉलो किया, किसी ने 60 टाइम फॉलो किया, किसी ने 70 टाइम फॉलो किया और वहाँ पर पूरे रिमार्क्स लिखे हुए थे। और जब रिमार्क्स को मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा वास्तविकता में उन्होंने 3 बार से ऊपर फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि जब पहली बार उसने फॉलो किया, मैं आइडिया कंपनी में एक ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ पर मैंने टेलीकॉलर्स के डेटा को देखा तो वहाँ एक टेलीकॉलर के डेटा पर लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था, सेकेंड टाइम मैंने फॉलो किया तो मोबाइल नॉट रीचेबल था, थर्ड टाइम मैंने फॉलो किया तो आउट ऑफ कवरेज था, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने फॉलो किया तो क्लाइंट ने कहा कि मैं अभी किसी मीटिंग में बिजी हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने फॉलो किया तो क्लाइंट ने कहा मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैंने फॉलो किया तो क्लाइंट ने कहा कि मैं अभी घर पर हूँ बाद में बात करता हूँ, और जब उसके बाद मैंने फॉलो किया तो उसने कहा कि मैं एक मीटिंग में हूँ लेकिन पीछे से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गया या समझ गई कि वो क्लाइंट मुझे इग्नोर करना चाह रहा है और मैंने उस लीड पर काटा मार दिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसी तरह से फॉलोअप करते हैं और इन्हीं को नंबर ऑफ फॉलोअप काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी किसी भी डील को मैच्योर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 बार फॉलो करना है, कम से कम 5 बार फॉलो करना है, 5 टाइम आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी भी क्लाइंट को 5 टाइम फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगी। और फॉलोअप का जो 5 का सिद्धांत है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बार जब आप अपने क्लाइंट को फॉलो करें तो जब तक फॉलो करें जब तक आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी अपने क्लाइंट को ना दे दें। तो फर्स्ट फॉलोअप कब होगा? जब अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को डिलीवर ना कर दें। इज इट क्लियर? अब चाहे कितनी भी बार मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो, कितनी भी बार मोबाइल फोन नॉट रीचेबल हो, कितनी भी बार वो आपको डिले कर रहा है या एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है कि मैं कल बात करता हूँ, परसों बात करता हूँ, मैं 3 दिन के लिए बाहर हूँ, मैं फंक्शन में हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये सारे के सारे फॉलोअप 0 फॉलोअप में काउंट होते हैं। फर्स्ट फॉलोअप जब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट को डिलीवर कर दें, तो समझ लीजिए आपने पहली बार फॉलोअप कंप्लीट कर लिया। और सेकंड फॉलोअप हम जब शुरू करते हैं जब वो क्लाइंट उस सारी चीज़ों को समझ के, आपकी सारी बातों को सुनकर समझकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये ना बता दे कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दी तो आपका फॉलोअप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड फॉलोअप में आपको ये समझना है कि उनमें से उस कंज्यूमर के क्या क्वेश्चंस हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या वो क्या पूछना चाहता है, या वो क्या समझना चाहता है, क्या एडवांटेजेस जानना चाहता है, क्या डिसएडवांटेजेस जानना चाहता है, या क्या बेनिफिट जानना चाहता है। सेकंड फॉलोअप जब कंप्लीट होता है, जब वो कंज्यूमर आपको अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन कर दे। इज दैट क्लियर? सेकंड फॉलोअप कब होता है? जब वो अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट्स को आपको एक्सप्लेन कर दें, तो समझ लीजिए आपने राउंड ऑफ फॉलोअप का सेकंड लेवल कंप्लीट कर लिया है। और थर्ड फॉलोअप जब होता है, जब आप दोनों बात कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, मतलब आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में क्या खासियत है वो सारी आपने एक्सप्लेन कर दी, और उस कंज्यूमर को उसमें से क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या उसके क्वेश्चंस हैं या क्या क्या उसकी इंक्वायरीज हैं, जब आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उससे सुन ली, समझ ली, तो समझ लीजिए सेकंड फॉलोअप कंप्लीट हुआ। और जब दोनों बातों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेट हो गई, मतलब आप जो बताना चाहते हैं और वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर दोनों बातें कंप्लीट हो जाएं वहां पर थर्ड लेवल ऑफ फॉलोअप कंप्लीट हो जाता है। और फोर्थ फॉलोअप में हम बात करते हैं कि कब हम अपनी डील को मैच्योर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका कंज्यूमर है, आपका कंज्यूमर एक ज्वेलर है, उसने कहा कि मैडम मैं दिवाली के बाद बात करूंगा, या मैं 25 दिसंबर के बाद बात करूंगा, या मैं न्यू ईयर के बाद बात करूंगा, या मैं जनवरी में बात करूंगा। इसका मतलब पहले फेस में आपने अपनी सारी जानकारी उसको दे दी, दूसरे फेस में आपने सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया, और तीसरे फेस में जब आप डील की बात करेंगे दैट विल बी नोन एज फॉलोअप नंबर 3।
इज इट क्लियर? और फोर्थ लीड जब होगी, जब हम उस फॉलोअप को कंप्लीट करने के लिए, मतलब डील को क्लोज करने के लिए रेगुलर उसका फॉलोअप करते रहें, क्योंकि उसके जितने क्वेश्चन क्वेरीज थे उसका सबका सॉल्यूशन आपने कर दिया, आपकी जितनी बेनिफिशियल बातें थी वो सारी आपने समझा दी, अब तो हमें क्या करना है, केवल डील को क्लोज करना है। और पांचवा फॉलोअप जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी डील फाइनलाइज ना हो जाए, और यदि डील फाइनल नहीं होती तो फॉलोअप नंबर 4 ही चल रहा है। एक व्यक्ति से पूछा कि दुनिया में कितने तरह के लोग हैं, उसने कहा सर इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, नंबर 1 जो मुझसे प्रोडक्ट लेगा और नंबर 2 जो मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। जो मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेगा वो मेरे लिए फिर दोबारा लीड बन जाएगा, तो दुनिया में केवल एक ही तरह के लोग बचेंगे, वो जो मुझसे प्रोडक्ट लेगा। इज इट क्लियर? मतलब अगर मैं बहुत सारे लोगों की बात करूं तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं, जो एक साथ से प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे और दूसरे वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो वो दोबारा लीड्स बन जाएंगे, दोबारा से आपके पास एक नई लीड जनरेट हो जाएगी, अब दोबारा काम करेंगे, या तो वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, और ले लेगा तो वो डील क्लोज, अगर नहीं लेता तो वो दोबारा लीड बन जाएगी। इसी तरह से जब आप रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो आपका रेशियो ऑफ मैच्योरिटी कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब हम फॉलोअप करेंगे तो हमारे 5 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा, जब हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को डिलीवर कर दें जिससे हम बात करना चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी बार का फॉलोअप काउंट हो जाए, लाइक नॉट रीचेबल, लाइक ड्राइविंग, लाइक आई एम ऑन वॉक, आई एम इन ऑफिस, आई एम इन पार्टी, आई एम एट होम, वो व्यक्ति कुछ भी बोले, पहला फॉलोअप तब कंप्लीट होगा जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को डिलीवर कर देंगे। इज इट क्लियर? और सेकंड, जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कन्विंस कर देगा, समझा देगा, एक्सप्लेन कर देगा। थर्ड, जब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड फोर्थ, जब आपकी डील या तो क्लोज होगी या क्लोज नहीं होगी, अगर क्लोज हुई तो आपका फॉलोअप कंप्लीट, और अगर क्लोज नहीं हुई तो फिर दोबारा वो दोबारा से लीड के रूप में जनरेट हो जाएगी।